हे गाइस, व्हाट्सएप एंड वेलकम टू माय चैनल। और आज बहुत ही अच्छी सी रेसिपी लेके आई हूँ। आज हम बनाएंगे टकाटक भेड़ और टकाटक चाट, वॉट एवर यू से। सो यहाँ मैंने टमाटर, प्याज एंड चना चूरा है और पफ राइस लिया है, ब्लैक सॉल्ट लिया है। ये सारी चीज़ें रख लो। अब मैं पफ राइस को बाउल में डालूँगी एंड उसको मिक्स कर लूँगी थोड़ा सा। एंड फिर इसमें मैं डालूंगी चना चूर, बादाम एंड चना, ये सारी चीज़ें डाल दूंगी और मिक्स कर लूंगी इसको। थोड़ा सा रेड चिली डालूंगी पाउडर एंड ब्लैक सॉल्ट डालूंगी थोड़ा सा, बिकॉज टकाटक में भी नमक होता है, सो सॉल्टी सॉल्टी हो जाएगा, इसलिए थोड़ा सा। एंड यहाँ पे मैंने टकाटक लिया है जो हमारा मेन इंग्रेडिएंट है। टकाटक को खोल कर मैंने उसे क्रश करके डालना है। सो लंबा लंबा नहीं, क्रश करके डालना है। सो इट्स बेटर। सो इस तरह से क्रश करके डाल देना है सारा। एंड अगेन अच्छे से मिक्स करना है। नाउ टमाटो एंड अनियन को डालना है अच्छे से एंड मिक्स करना है इसमें। इस तरह से आप उसको डाल लो और मिक्स कर लो। बारीक बारीक काटना, अगर बड़े बड़े काटोगे तो टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। ऐसे छोटा छोटा काटो और इसे मिक्स करो ऐसे। ठीक है भाई, मिक्स कर लिया। अब केचप डालते हैं, तो 2 स्पून केचप डाल लो। ज़्यादा मत डालना, थोड़ा सा, नहीं तो क्रंचीनेस जो ख़त्म हो जाएगा वो हमारा टकाटक का। तो ज़्यादा नहीं डालना और तुरंत सर्व करना, बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है, तुरंत सर्व कर देना। सो इस तरह से मिक्स कर लिया, अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब चलो भाई फटाफट सर्व करते हैं, मुझसे तो वेट नहीं हो रहा। सो आप देख रहे हो, मैंने थोड़ा सा ऊपर से और थोड़ा सा डाल दिया। और आप देख सकते हो कितना यम्मी लग रहा है ये टकाटक। कुरकुरी तो सभी को पसंद है, लेकिन इस तरह से बनाओ तो बहुत ही ज़्यादा यम्मी बन जाता है ये। और आप ये देख पा रहे हो, मेरा बन के तैयार हो गया है फटाफट से। अब मैं तो ख़त्म करूँगी इसको। अगर आपको भी रेसिपी ये अच्छी लगी है तो ट्राई करना और मेरे साथ शेयर करना कि कैसी बनी है। सो बाय।